अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और हमारी हो गई है सुबह और हम लोग सब उठ गए हैं और मम्मा के पापा ले आए हैं छोले आज के नाश्ते के लिए, क्योंकि कल मैं मम्मा के घर गई थी तो मैंने कुछ नहीं पकाया था। हाय करो मम्मा, हाय हाय करो। और बस अब हम लोग खाएंगे छोले और मम्मा बैठी हुई हैं देख रही हैं और मम्मा के पापा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारी गई है लाइट। हाय गाइस, और हमारी गई हुई है लाइट। तो अब हम दिखाते हैं आप लोगों को कि आज मम्मा के पापा छोले लेकर आए हैं। तो ये देखें, मैंने बना लिए यहाँ पे पराठे और यहाँ पे मम्मा के पापा ले आए हैं छोले और यहाँ पे चाय भी रखी हुई है। जिन जिन को नाश्ता करना है आ जाएं, है ना मम्मा जी? जी बेटा, क्या चाहिए? चीज़ चाहिए, ये चाहिए। अच्छा अच्छा, अभी आपको देते हैं बाबा जान, ठीक है। तो मेरा काम हो गया था और मैंने यहाँ पे भिगो दी है माश की दाल और मैं आज बनाऊंगी माश की दाल। यहाँ पे मैंने मसाला भून लिया अच्छी तरह। ये देखें आप लोग, टमाटर प्याज बिल्कुल बारीक करके काट ली थी मैंने और प्याज बिल्कुल देखें इसी में ही भूल गई है। ऐसा लग रहा है मैंने प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया, लेकिन मैंने प्याज टमाटर का पेस्ट नहीं बनाया, सिर्फ मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था। और ये देखें लहसुन अदरक डाला मैंने इसमें, खड़े मसाले डाले, बहुत ज़बरदस्त से भुनाई हो गया है ये। बस अब मैं इसमें माश की दाल डाल दूँगी जो मैंने काफ़ी देर से भिगोई भी है यहाँ पर, और गैस हमारा नहीं आ रहा तो इसकी वजह से मुझे सिलेंडर पे ही बनाना पड़ रहा है। 3-4 दिन हो गए हैं हमारा गैस नहीं आ रहा, क्योंकि सर्दियों में अब थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ आने लग गई हैं तो यही मसला होता है कि गैस का रोना होता है, गैस आता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा तंग करता है गैस। अब क्या करें, सिलेंडर पर ही बनाना पड़ता है, रोटियाँ वगैरह मैं सिलेंडर पर ही, ये देखें सिलेंडर पर ही बना लेती हूँ। अब काम तो करना है, कब तक बाहर का भी, कब तक खाएंगे खाना? बाहर का भी नहीं खाया जाता क्योंकि बहुत कम होता है कि हम बाहर का खाना खाते हैं, क्योंकि उससे सेहत भी ख़राब होती है और पैसे भी ज़ाया ही होते हैं। अब घर में जो खाना बनता है वो हम अपने तरीके से, अपनी मर्ज़ी से जैसा बनाना चाहें वैसा बनाते हैं। बाहर से तो पता नहीं वो लोग फूड्स में क्या क्या मिलाते हैं क्या क्या नहीं, अल्लाह ही जानता है ये तो। तो इसीलिए इनके बाबा को घर का खाना ही अच्छा लगता है, तो मैं घर में ही बनाती हूँ खाना। और मैम आई हैं बाहर से, क्या लेकर आई हो, दिखाओ दिखाओ जल्दी। ये देखें, ये चॉकलेट लेकर आई हैं बाहर से और अपने बाबा से ज़िद कर रहे हैं इनकी कि मुझे बाहर लेके चलें बाबा जान। और इनके पापा इनको ले गए थे बाहर और ये अभी अभी आई हैं चॉकलेट लेके। और मैंने अपना पूरा कमरा संगवा दिया है और आज मैंने अपनी बेडशीट चेंज भी की है। ये देखें पूरा कमरा मैंने अपना संगवा दिया था बस। और अबू मेमा और मेमा के बाबा रिलैक्स होके बैठे हैं और मैं अपना यहाँ पे खाना बना रही हूँ। मेमा और मेमा के बाबा अंदर खेल रहे हैं तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें ये देखिए लात से मार रही है, मेरी गुड़िया खेल रही है फुटबॉल से। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शरारतें करने लग गई हैं। और ये देखें अपने बाबा के साथ खेल रही हैं। यहाँ पे लग गया है हमारा खाना और मैंने बनाई है माश की दाल, तो हम लोगों ने लगा दिया दस्तरखान। अब हम खा रहे हैं रोटी, जी जिसको खानी है हमारे साथ आ जाएं खा लें और चलें अब हम खाते हैं फटाफट से खाना। ये देखें गाइस मेरी गुड़िया की हरकत मेरी गुड़िया की हरकतें, हम लोग निकालने लगे थे इनके सर्दियों के कपड़े और ये यहाँ पे इस कलचे में बैठ गई हैं, कह रही हैं माँ इसमें बैठ गई हूँ मैं, और मेरे को आवाज़ें दे रही हैं। मैं अपना सामान वगैरह उठा रही थी क्योंकि खाना हमने खाया था, तो मैं वहाँ से दस्तरखान वगैरह उठा रही थी और ये यहाँ के कलचे में खुद ही बैठ गई। देखें मेमा आपको मज़ा आ रहा है, क्यों
क्यों फंसी हो फिर आप? इधर उधर घूमे जा रही है ये। आजा। कह रही है बाबा मुझे निकालो। तो यहाँ पे ये उमेमा के बाबा का अपर में लिया ही थी, तो हम लोगों ने पेटी में ही रख दिया था। न्यू का न्यू है ये ट्राउजर और अपर है ये इनका, ये ऑफिस जाते थे पहनकर, और ये अपर है इनका, और ये स्वेटर है ये मेरे अब्बू का था, और मम्मा ने अब्बू को लिए बनाया था, लेकिन अब्बू ने एक भी मर्तबा नहीं पहना, तो मम्मा ने अपने दामाद के लिए संभाल के रख दिया था, क्योंकि मेरी मम्मा का एक ही दामाद था, तो इस दामाद है तो इसीलिए मम्मा ने संभाल के रख दिया था। और यहाँ पे मम्मा ने शादी में एक जैकेट भी दी थी इनको, तो ये देखें इनकी जैकेट है ये। और मेरे ऊपर कहाँ हैं मेरे वगैरह, और ये उमेमा के बाबा मॉल से लेकर आए थे उमेमा के लिए, ये भी पिंक वाला भी। और दिखाओ ही मेरा स्वेटर दिखाओ जो मम्मा ने दिया था, ये देखें अभी मैंने पेटी खोली है, ये देखें सारा सामान फैला हुआ है पेटी का, और मेरी पेटी में भी अभी काफ़ी सामान है, ये देखें माशाल्लाह से मेरी मम्मा ने सब कुछ दिया था सब कुछ, ये देखें। और यहाँ पे ये देखें मेरा स्वेटर भी दिया था, ये मेरा एसी का एसी रखा हुआ है न्यू का न्यू, तो मैंने कहा अब मैं निकाल लेती हूँ, और मैंने निकाल लिया है अपना स्वेटर, और भी उमेमा के कपड़े वगैरह हमने निकाले हैं जो कि न्यू थे बड़े थे, तो हमने ऐसी कैसी ये रख दिए थे उमेमा के कपड़े, ये देखें उमेमा का ये एक ये सूट है, एक और सूट दिखाओ ये वाला ये हाई नेक नुमा है, और ये देखें बहुत अच्छा है और नरम मुलायम सा है, तो इसीलिए ये भी इसकी नानी ने दिए थे छूचक में जो के थोड़े बड़े थे, तो मैंने ऐसे केस उठा के रख दिए थे। और ये उमेमा के शूज़ हैं, सब इनके छूचक का सामान है उमेमा के, उमेमा की नानी ये लेकर आई थी इनके शूज़ सर्दियों के, तो मैंने उठा के रख दिए थे क्योंकि ये अभी बड़े थे उमेमा के। ये टोपा, तीन चार टोपे हैं उमेमा के, और दो तीन सूट हैं, और इनके अभी लाने पड़ेंगे सूट हमें। ये देखें कितना प्यारा सा टोपा है उमेमा का, ये पिंक वाला टोपा है, ये सब इनकी नानी ने दिए हुए हैं इनको। और ये देखें ये टोपा है उमेमा का, ये वाला भी, इसमें भी ये देखें कितने प्यारे प्यारे शूज़ हैं। ये मैंने इसलिए इस तरह रख दिए थे इसमें सॉक्स वगैरह ताकि ये गुम ना हो जाए, तो ये देखें ग्लव्स वगैरह भी हैं उमेमा के इसमें, ये देखें। और हमारी लाइट भी चली गई है, काफ़ी ज़्यादा सामान है उमेमा का, और सॉक्स वगैरह हैं सब कुछ हैं, और एक और ये देखें मोज़े नुमा हैं, और ये बड़े थे तो मैंने उठा के रख दिए थे, अब आएंगे उमेमा के, और उमेमा इधर से उधर से इधर खेलने में लगी हुई हैं। ये उमेमा के छोटे छोटे से कंबल हैं, कहीं हम बाहर जाएं तो ये निकाल लें इनको लपेटने के लिए, क्योंकि ये रास्ते में सो जाती हैं, तो इसीलिए ये देखें। तो फाइनली मेरा काम हो गया था, मैंने सारे कपड़े वगैरह अलमारी में रख दिए थे, और उमेमा के जो कपड़े थे सॉक्स थे दस्ताने थे ग्लव्स वगैरह सब मैंने इसके अलमारी में रख दिए, और अपने सॉक्स वगैरह भी अलमारी में अपनी रख दिए, और स्वेटर वगैरह सब कुछ रख दिया अलमारी में। बस अब मेरा काम हो गया था, और अब हम लोग सोने लगे हैं क्योंकि रात हो गई है, रात के बज रहे हैं 11:30। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, और इसी तरह की नई नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।